इसे कल भूमि ने तो समा बांध दी थी, बहुत ही मजा आ गया था ना। और लेकिन वो गुप्ता जी, उनकी वाइफ तो आई नहीं। अबीरा चलो। नहीं, नहीं। चलो। नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है सुबह नाश्ते में डांट खाने का। मैं जो कह रहा हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। चलो मैं किसी और से बोलूंगी, घर में और भी तो बड़े लोग हैं। दादी सा सबसे बड़ी। चलो नहीं 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 चलो मम्मी सारे तुम्हारी चप्पल पहन ली क्या? और कितना गिरोगी? उठो। दादी सा, वो आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है ना, तो आशीर्वाद दे दीजिए। आगे पढ़ने की इजाजत तुमने ली नहीं है, चुराई है। लेकिन आशीर्वाद चुराया नहीं, कमाया जाता है। अरमान की वजह से हम तुम्हें कॉलेज जाने दे रहे हैं, हमसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना। अबीरा, आज तुम्हारा पहला दिन है ना कॉलेज का, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दही चीनी लाती हूँ। अभी वो मासा, कंग्रेचुलेशंस भैया, आज आप बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड जीत गए। चारू, ये कैसी बातें कर रही हूँ? लेकिन बेस्ट ब्रदर के अवार्ड लिस्ट में तो आपका 1 से 10 में भी नाम नहीं आया। आप मेरे लिए टाइम पर भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन भाभी के लिए आपने नानी सा के सामने ऐसी सिचुएशन ला दी कि वो मना ही नहीं कर पाई। चारू, मैं तेरे लिए भी बात कर रही हूँ। भैया रहने दीजिए, घर में ऑलरेडी बहुत झगड़े चल रहे हैं। देख चारू, मैं तुझे हार नहीं मानने दूंगा, अबीरा भी कॉलेज जा रही है ना। शायद इसीलिए ना हमारी आधी फैमिली उन्हें अपना मान पाई है, ना वो हमें, इसीलिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं नानीसा को और हर्ट करना नहीं चाहती। मैं तुझे गिव अप नहीं करने दूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा जैसे पहले लड़े थे। अब यही रियलिटी है भैया, प्लीज मुझे छोटे होप्स मत दीजिए। ये रिश्ता क्या कहला।